तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 20 दिन कंप्लीट करके आज 21वें दिन में एंट्री मार ली है और जवान ने कल एंड ऑफ द डे तक बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस मंजर का काफी लंबे समय से इंतजार था क्योंकि 18वें दिन में मूवी ने 1000 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे और हिंदी से 500 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे। मतलब 18 दिन में 2 रिकॉर्ड इसने क्रिएट करे अपने नाम किए, ना कि बीट डाउन करे, क्रिएट करे और अपने नाम किए। उसके बाद अब गदर 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये 2-4 दिन के अंदर ही खदेड़ देगी क्योंकि गदर 2 का अराउंड 523 या फिर 524 करोड़ के आसपास हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन अभी चल रहा है और पठान के भी हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये बीट डाउन कर देगी जो नंबर 1 पे बैठी है। तो जवान इजीली बीट डाउन कर देगी और नंबर 1 पर आ जाएगी। तो आज बात करेंगे मूवी ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, पहले दिन कैसी कमाई रही, फर्स्ट वीक में कैसी कमाई रही, पहले 10 दिन में कितनी कमाई रही, उसके बाद 2 हफ्ते में कैसा क्या रुझान रहा था कमाई का, टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी अभी तक और कितना कर सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके लीड पर, मेन लीड पर आपको शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे लाइक दीपिका पादुकोण, संजय दत्त, और सपोर्टिंग कास्ट में आपको नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे और सुनील ग्रोवर जैसे। उसके बाद विलेन विजय सेतुपति धमाकेदार काम किया है, जबरदस्त निगेटिव का पार्ट निभाया है इन्होंने, अकेला यह बंदा भारी पड़ा है मैं कह रहा हूं पूरे SRK पर। कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज फैंटास्टिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। वही बात है कि मास मसाला मूवी में कभी लॉजिक की जरूरत नहीं होती थी व्यूअर्स को, वो हमेशा लॉजिक घर छोड़कर जाते थे कभी भी अगर उन्हें एक्शन मासी मूवी देखनी है तब। लेकिन यहां पर यस, तुम्हें लॉजिक भी मिलेगा और जबरदस्त स्टोरी लाइन मिलेगी। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पहले दिन 130 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था पूरी दुनिया से और पहला हफ्ता कंप्लीट करते करते पहले 7 दिन में हिंदी से 327 करोड़ और नेट इंडियन कलेक्शन से 369 करोड़ और पूरी दुनिया से 660 करोड़ का कलेक्शन पहला हफ्ता कंप्लीट करने में खत्म कर चुकी थी। इसी के साथ सेकेंड वीक की शुरुआत जबरदस्त करी, 8वें 9वें 10वें दिन सॉलिड ग्रोथ करी, पहले 10 दिन में ही हिंदी से 396 करोड़, ऑल इंडिया नेट से 442 करोड़ और पूरी दुनिया से 812 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख चुकी थी पहले 10 ही दिन में। बात करें 14वें दिन में कैसी कमाई रही, मतलब पूरा 2 हफ्ता कंप्लीट करते करते मूवी कितनी कमाई कर चुकी थी, तो सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर चुकी थी पहले 2 हफ्ते में और नेट इंडियन कलेक्शन से 520 करोड़ और पूरी दुनिया से 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी पहले 2 हफ्ते के खत्म होते होते। इसी के साथ 15वें 16वें 17वें और 18 दिन में भी जबरदस्त ग्रोथ करते हुए, एवरेज कमाई करते हुए सॉलिड कमाई अपने खाते में रख ली थी मूवी ने और 18 दिन कंप्लीट करते करते 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, ना कि ब्रेक किया था बल्कि क्रिएट करके अपने नाम किए थे। लाइक पहले फास्टेस्ट 18 दिन में ही 506 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था सिर्फ हिंदी से, जिसने गदर 2, पठान और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया था। जो रिकॉर्ड गदर 2 ने 24 दिन में कंप्लीट किया था, पठान ने 28 दिन में किया था और बाहुबली 2 ने 30 दिन में किया था और जवान ने सिर्फ 18 दिन में ही 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी। इसी के साथ पहले 18 ही दिनों में 1004 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था और फास्टेस्ट हिंदी बॉलीवुड सिनेमा की नंबर 1 मूवी बन चुकी थी, नंबर 1 क्रॉसर बन चुकी थी, जिसने 18 ही दिन में 1000 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था। क्योंकि बॉलीवुड की मूवी 500 करोड़ ही कमा जाए वही बहुत है, लेकिन 18 दिन में ही फास्टेस्ट ग्रॉसर के मामले में मूवी ने 1000 करोड़ कंप्लीट किए थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड पठान के नाम था और पठान को इसने बीट डाउन कर दिया। पठान ने अराउंड 25 से 26 दिन के आसपास ये 1000 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम किया था। तो बात करें 19वें दिन की कैसी ग्रोथ रही, सिर्फ हिंदी से 4.90 करोड़ का कलेक्शन आया और पूरा हो जाता है पहले 19 दिन का सिर्फ हिंदी से 510 करोड़ और मात्र कुछ 1 लाख से चूक गई थी ये बाहुबली 2 के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ने में अपने 19वें दिन में ही, वरना परसों को ही ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाना था। लेकिन कल एंड ऑफ द डे तक बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को उखाड़ के फेंक दिया
हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन आया था डे 19 में 5.45 करोड़ का। तो पहले 19 दिन का अब टोटल नेट कलेक्शन पहले 19 दिन में हो गया था 566 करोड़, और पूरी दुनिया से 19वें दिन आया था 10 करोड़, और पूरी दुनिया से पहले 19वें दिन में कलेक्शन हो जाता है 1015 करोड़ का। और बात करें कल यानी थर्ड ट्यूजडे की, यानी 20वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ रही। वर्किंग डेज चल रहे हैं, ग्रोथ डिप देखने को मिलेगी ही मिलेगी, फ्राइडे तक डिप देखने को मिलेगी, स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी, और साथ में गदर 2 भी चल रही है, और अब तो फुकरे 3 भी आने वाली है, और साथ में विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली भी चल रही, जो काफ़ी सोच जवान से खींच चुके हैं, इस वजह से ग्रोथ स्लो देखने को मिल रही है। तो सिर्फ हिंदी से कल एंड ऑफ द डे तक 4.5 करोड़ की कमाई लाते दिखी मूवी, और ऑल इंडिया नेट से 5 करोड़ का आया, और ग्रॉस से लगभग 7 करोड़ कमाती दिखी, और कल पूरी दुनिया से एंड ऑफ द डे तक 10 करोड़ की कमाई करते नजर आई है मूवी। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 20 दिन में ही 515 करोड़ का कलेक्शन मूवी अपने खाते में रख लेती है, और पहले 20 दिन में ही नेट कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था, और पूरी दुनिया से ये मूवी 1025 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख लिया था एंड ऑफ द डे तक पहले 20 दिन में ही। तो कल बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को खदेड़ दिया भाई साहब, मजा आ गया। और अब बस गदर 2 बची है और पठान बची है, तो आने वाले 5 से 6 दिन में या 8 दिन में ही पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी, और 4-5 दिन के अंदर ही गदर 2 के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये खदेड़ देगी। वैसे गदर 2 के वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तो ये 15 दिन में ही खदेड़ चुकी थी। तो बात करें आज यानी 21वें दिन यानी थर्ड वेडनेसडे को कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज तो वर्किंग डे है, आज भी सिंगल डिजिट कलेक्शन देखने को मिलेगा, आज भी कमाई में डिप देखने को मिलेगी, और मूवी जो गदर 2 चली रही है विकी कौशल की, और द ग्रेट इंडियन फैमिली चल रही है, अब फुकरे 3 भी आ जानी है, तो जवान के बहुत से सोच अब छिनने वाले हैं उससे, और भी कमाई नीचे देखने को मिलेगी। वर्किंग डेज में तो वैसे ही कमाई स्लो चल रही है, और मूवी मैं कहूँ तो अब 21 दिन तक जितनी भी इसने कमाई करनी थी वो कर चुकी है, जितना भी इसमें पोटेंशियल था उस पोटेंशियल का पूरा फ़ायदा उठा के ये मूवी की जितनी कमाई करनी थी इसने कर लिया है। अब अगर नहीं भी करती तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आज की ऑक्यूपेंसी मैं बताऊं तो 10-12% की ऑक्यूपेंसी से मूवी लगातार ट्रेंड कर रही है, कुछ एक जगह अच्छे खासे शोज मिल रहे हैं, हाउसफुल शोज अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक 4.5 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिलेगा टोटल नेट से, और सिर्फ हिंदी से 4 करोड़ आता दिखेगा, और पूरी दुनिया से आज एंड ऑफ द डे तक 9 करोड़ की कमाई करते दिख रही है मूवी, 8 से 9 करोड़ के बीच में, ना कि 9 करोड़ को। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 21 दिन में ही मूवी 519 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने नाम कर लेगी, और जवान इसी के साथ पहले 21 दिन में ही एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन से 576 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी, और पूरी दुनिया से आज पहले 21 दिन में 1034 करोड़ कंप्लीट कर लेगी। अमेजिंग ग्रोथ। कल डे 20 की रिपोर्ट अभी फ्लेक्सिबल है, और जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तब उसमें आपको सारा डेटा मैं फिर से बता दूंगा। दोस्तों फैंस लोगों का इंतजार खत्म हुआ, पहला पड़ाव मूवी ने पार कर लिया 1000 करोड़, अब बारी आती है KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ये खदेड़ पाएगी। देखो टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि 1200 करोड़ से ऊपर का लाइफ टाइम कलेक्शन है पूरी दुनिया से, कंपटीशन भी दमदार मिल रहा है, वर्किंग डेज में वैसी डिप देखने को मिल रही है, तो एक बार के लिए टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मे बी हो सकता है कि मूवी अगर 40 से 45 दिन थिएटर हाउस में चल जाती है या 50 दिन चल जाती है, तो मूवी मे बी, मैं मान के चल रहा हूं, KGF 2 के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ये खदेड़ जाएगी। तो आपकी क्या राय है, क्या मूवी 1200 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन करके जाएगी, क्या KGF 2 के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ देगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।